लिया। इस खूबसूरत मौके पर राजकुमारी को आप लोगों की दखलअंदाजी हरगिज हरगिज पसंद नहीं। इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सुना तुमने, इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। देखती क्या हो, गिरफ्तार कर लो इसे। देखती क्या हो, गिरफ्तार कर लो मुझे। सुना नहीं, राजकुमारी कह रही है मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, वो मुझे यही रखना चाहती है। क्या इतना प्यार हो गया है मुझसे पहली मुलाकात में? अब तो मेरा जाना बहुत जरूरी है। ये खुशखबरी मैं अपनी माता जी को सुना देना चाहता हूँ कि मैंने अपने लिए बहुत खूबसूरत दुल्हन चुन ली है। बदतमीज। शुक्रिया। अजी सुनिए, वो मेरा पटका आपके पास रह गया है, जरा संभाल के रखेगा, फिर आके ले जाऊंगा। मारो इसे। निकल गया। सिपाहियों से कह दो अगर वो अपनी जिंदगी चाहते हैं तो उसे जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश करें। हो सके तो जिंदा। राजकुमारी जी, आप सिपाहियों को क्यों तकलीफ देते हैं? वो तो अपने आप आएगा। चौक में आने का वादा कर गया था, आया ना, अब फिर आएगा कल पटका लेने। वादे का बड़ा पक्का है। चुप रहो। मेरी गरम गोली, हट जा मेरे रास्ते से। भाड़ में गई तेरी गरम गोली, मिला है राजकुमारी से, पड़ गई कलेजे में ठंडक। बिल्कुल पड़ गई ठंडक, हाय ठंड पड़ गई। क्यों, उसकी क्या चार आंखें हैं, चार हाथ हैं, चार कान हैं, चार दिल हैं उसके? क्या? हाँ, एक दिल कहता है अमर मुझे छोड़ के मत जाओ, दूसरा कहता है अमर आओ मेरे सीने से लग जाओ, तीसरा कहता है बस बस, तेरे दिमाग को तो जंग लग गया है। उसमें ऐसी कौन सी बात है जो मुझ में नहीं है? क्या उसके हीरे जैसी आंखें हैं, रेशम के बाल हैं, बात करती तो फूल झड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, फूल झड़ते हैं गुलाब के, और उसके जिस्म से चंदन की खुशबू आती है। अरे आज तो हम नहाए भी साथ थे। तू उसके साथ नहा कर आ रहा है? हाँ, वो क्या कहते हैं शाही हमाम में हम नहाए, और देखो हमारे जिस्म से चंदन की खुशबू। मत हाथ लगा मुझे, पराए तालाब में नहाकर भ्रष्ट हो गया है। जब तक तू गंगा जल से स्नान नहीं करता तेरे बदन से बदबू नहीं जाएगी। अब तो हम नहाएंगे नहीं, जिंदगी भर नहीं नहाऊंगा, ताकि ये सोंधी सोंधी खुशबू, प्यारी प्यारी खुशबू हमारे बदन से चली ना जाए। मुझे तो लगता है तू पागल हो गया, चल मुझे घर छोड़ दे। नहीं, इस घोड़े पे अब तुम कभी नहीं बैठोगी, इस घोड़े पे अब वही बैठेंगी, उन्हीं को लेके जाऊंगा। ओए, तेरी शादी मुझसे होगी और मैं ही तेरे बच्चों की माँ बनूंगी, समझे? अभी हमारा पिताजी बनने का कोई ख्याल नहीं, छोड़ो मेरा चगा। हाय, रुड़ जानिए, मैं की करा, अच्छा भला था। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, देखिए ना हमारी सेना का कमाल, तालाब में एक आदमी ने आपको छेड़ा और वो 10-20 पकड़ कर ले आया। चलिए उस बांके को, नहीं नहीं उस मुस्तंडे को पहचान लीजिए। इनमें से तो वो नहीं है। राजकुमारी जी फरमाती है इनमें अपराधी कोई नहीं है, इन सबको छोड़ दिया जाए। हुक्म हुआ है इन सबको छोड़ दिया जाए। ठहरो, हमारे हुजूर में जो एक बार गिरफ्तार होकर आता है बिना सजा पाए वापस नहीं जा सकता। मगर भैया इनका कोई दोष नहीं तो फिर सजा कैसे? गरीबों की आहों से डरना चाहिए। हुकूमत आहों के डर से नहीं, तलवार के जोर पे की जाती, वरना सरकार का दबदबा खत्म हो जाता। तो ये हैं वो लोग जिन्होंने हमारे तालाब में आने की जुर्रत की थी। ये झूठ है महाराज, हम निर्दोष हैं। आपकी सेना हमें जबरदस्ती गांव से पकड़ के ले आई है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमारी सेना गुनाहगार और बेगुनाह में फर्क नहीं जानती? हमें अपनी सेना पे पूरा भरोसा। आप अपनी सेना पे भरोसा करते हैं, अपनी प्रजा पे नहीं? ये इंसाफ नहीं है महाराज। तुम हमारे इंसाफ पे शक करते हो? नहीं महाराज, हम तो सेना के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस आवाज से बगावत की बू आती है। सिपाही,
इस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। महाराज रहम, रहम महाराज रहम। और किसी को हमारे इंसाफ से शिकायत है? ले जाओ इन सबको और काल कोठरी में बंद कर दो, ताकि इनकी गुस्ताख आंखें सूरज की रोशनी के लिए तरस जाए। चलो चलो चलो। ये लोग किस गांव के हैं? गंगापुर के महाराज। जिस गांव के लोग इतने गुस्ताख हों, वो गांव कल से हमारी रियासत के नक्शे पे नहीं रहेगा। तामील हो। अकेली रह गई है, जाओ घेर के पकड़ लो उसे। उकड़ दुकड़ पंबापो 80-90 पूरे 100 ग्लो। बेटा तुम न बचाते तो हमें गोली से मार देते। आज तुमने हमें जीवन दान दिया है। कौन हो तुम? मैं माँ जी, मैं वो बंजारा अमर कौन सा राजकुमार है जिसे आप? बड़े बहादुर हो बेटा। बहादुर तो आप हैं माँ जी, अभी तो देखा किस तरह से तलवार चला रही थी। माँ जी एक बात कहूँ? कहो बेटा। पता नहीं क्यों जी चाहता है आपके पैर छू लूं। हमें तुम जैसे बहादुरों की जरूरत है, तो हमारे साथ शामिल हो जाओ। जी आप बुरा मत मानिए, आप लोग क्या करते हैं? बगावत। बगावत? राम 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 राम, ये तो बड़े खून खराबे का काम है जी। बहुत लोगों को मारते होंगे आप, हम बंजारे तो बस गाते बजाते हैं। ये रख लीजिए, चल ना जाए। अच्छा माँ जी प्रणाम। जीते रहो बेटा। एक डाकू औरत ने इतनी बड़ी रियासत के छक्के छुड़ा दिए और आप सब ये खबर सुनाने के लिए जिंदा हमारे पास आए। जी में आता है आप सब की खाल खिंचवा कर चौराहे में लटका दूं, लेकिन फिर ख्याल आता है कि इस तरह सूरमाओं को प्रजा के सामने जलील नहीं करना चाहिए। सेनापति, इन सब बहादुरों को हमारे खास हाथी के पैरों तले कुचलवा दो, ताकि ये कम से कम इज्जत की मौत तो मर सके। तामील हो। धाम धूम धाम धूम हे भूत भविष्य का। बीबी अम्मा सब प्रकट हो जा। बीबी अम्मा ज्वाला जा। क्या है? जा जा। वो सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं करता है। जब से वो चुड़ैल राजकुमारी का भूत क्या सवार हुआ है, अपने बचपन के प्यार को भी भूल गया है। वो मुझसे शादी कब करेगा? शादी? हाँ। जाग ज्वाला जाग, कामदेव की खबर ला। ये लड़की किसी से मोहब्बत करती है, किसी निर्मोही पर मरती है, इसका परिणाम बता। हाँ हाँ, होनी कहती है खून की बारिश, शोले धरती से आकाश, इधर से उधर, कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, न तख्त न ताज, कुछ नहीं पर रहेगा। मेरे प्यार का क्या होगा? प्यार? प्यार का फैसला हो जाएगा, पूर्णमासी के दिन हो जाएगा। जा, पूरे चांद का इंतजार कर, चली जा, चली जा। हाँ।
पड़े न पल भर चैन, दिन में देखे सपने पी के रात में जागे नैन। गोरी आमी आवा। तुम राजमहल में कैसे आ गए? मैं उड़कर आ ही गया मोहब्बत के परों से। बदतमीज तुम फिर आ गए, हम तुम्हारे पर काट देंगे। ठीक है, हमारे पर काट के अपने दिल की पिंजरे में रख लीजिए। अभी बताती हूँ। किसी गैर को बुलाने से पहले अपने जन्मदिन पर तोहफा कबूल कर लीजिए। माशूक की खिदमत में आशिक आया है और तोहफे में खरगोशों का जोड़ा लाया है। इसे देखकर चौंकिएगा नहीं, इसे तो हमें सबक सीखना चाहिए। ये एक ही बात सिखाते हैं, प्यार करो और बच्चे पैदा करो, प्यार करो और बच्चे पैदा करो। संभालिए। हाँ, आप बुला लीजिए जिसको जीता है। इस जंगली को गिरफ्तार कर लो, पकड़ लो जल्दी। आशिकों की जान लोगे तीर से तलवार से, हमको मार डालो बेहतर है प्यार से। आओ पकड़ लो। ज्यादा भीड़ भाड़ हमको बिल्कुल पसंद नहीं, हम तन्हाई में मिलेंगे जल्दी। जी हाँ।